वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2024 के एग्जाम से रिगार्डिंग आज का हमारा डिस्कशन रहेगा. तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए. फर्दर कोई स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले सो देट आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. उसके साथ ही आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए. तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जो हमारा चैनल नेम है सेम नेम से टेलीग्राम ग्रुप है, नेट ज्ञान बाय ज्योति बुधवार. नेट ज्ञान बाय ज्योति बुधवार के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा. सो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एज वेल. तो आज की क्लास में हमारा जो मेन डिस्कशन रहने वाला है वो रहेगा कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करें एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस से रिगार्डिंग. तो आपका 2024 में एग्जाम होगा भाई नवंबर के एंड में या अक्टूबर में होता है, नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्टिंग में होता है. आइदर नवंबर के एंड में आपका एग्जाम होता है एंड वीक में, या तो फर्स्ट वीक के दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होता है. ठीक है, तो अभी हमारा अगस्त है. अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, चार महीने हैं आपके पास. टोटल पूरे चार महीने हैं आपके पास. इन चार महीने में आप बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं एस्टेट की. इन चार महीने में आप बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं एस्टेट की. और जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपका एस्टेट एग्जाम है, जो एस्टेट एग्जाम है वो आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जॉब के लिए एलिजिबल करता है आपको. जब भी हरियाणा में पोस्ट निकलती हैं एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं. मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी एस्टेट होना चाहिए. तो एस्टेट में बेसिकली आप सबको पता है कि एस्टेट हमारा 150 मार्क्स का रहता है. एस्टेट हमारा 150 मार्क्स का रहता है. इस 150 मार्क्स के अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं. जो टोटल 150 क्वेश्चंस हैं उनका जो बाइफरकेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है. 90 मार्क्स आपका कॉमन पार्ट रहता है. 90 क्वेश्चंस आपके कॉमन पोर्शन से पूछे जाते हैं. वहीं पे 60 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं. ठीक है, इन 90 मार्क्स में आपके पास चाइल्ड पेडागोजी, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके. ठीक है, तो ये तीन पार्ट आते हैं. तीनों का 30-30 रहता है. 30 की सीडीपी, 30 की हिंदी इंग्लिश, 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश और 30 के ये तीनों पार्ट. 10-10, 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग, 10 हरियाणा जीके और 60 नंबर का आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रहता है. तो हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो इस 60 मार्क्स की करेंगे. ये कॉमन पार्ट आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप अपना पढ़ सकते हैं प्रॉपर. इन ये 90 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 60 मार्क्स तो है ही है. बिकॉज अब जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है उसके 90 में से 50-55 तो बहुत ईजिली स्टूडेंट ले लेता है. मेन है कि यहाँ पे आप 60 में से 45-50 या 45-55 तक किस तरीके से इजीली आप स्कोर कर पाएंगे, आज की क्लास में हमारा वो डिस्कशन होने वाला है. हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, किन किन चीजों को आपको फर्दर एग्जाम के लिए रिवाइज करने की जरूरत है, किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहला अगर हम बात करें, हमारे पास ये जो 60 क्वेश्चन आते हैं ये 60 नंबर के होते हैं. 60 नंबर के होते हैं और जैसा कि अब आपको पता चला है कि एस्टेट जो है वो भी वैलिड हो चुका है लाइफ टाइम के लिए, तो अब आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक ही बार थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो, दे दबा के दूर करो, ताकि बार बार आपको ये टेंशन नहीं लेने की जरूरत है 5 साल में मेरा फिर से इनवैलिड हो जाएगा, फिर से मुझे 7 साल में देना पड़ेगा. एक बार दे दो नेट की तरह, लाइफ टाइम के लिए आपका जो एस्टेट एग्जाम है वो भी एलिजिबल हो जाने वाला है. ठीक है, तो ये जो 60 मार्क्स आपके आते हैं ये हमारे हर सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट से पूछे जाते हैं. अब पहले आज एस्टेट जो है, एस्टेट में कभी भी कोई प्रॉपर सिलेबस डिफाइन नहीं किया है. पिछले साल किया था बट वहीं पे पिछले साल भी फिर पेपर आया किसी और तरीके से, सिलेबस कुछ और था. तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो भी हम पढ़ते हैं वो प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करके ही हम पढ़ते हैं. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स
और आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लस एसक्यूएल, एचटीएमएल, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम। और एक आध क्वेश्चन हमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर का भी बेसिक देखा है, बट ज़्यादा नहीं पूछता है। एक ही बार आया था थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के 2 या 3 क्वेश्चन दे रखे थे, बट फिर भी हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का भी बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है। उसके साथ ही इस बार लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पाइथन का भी बेसिक पूछा गया था। अच्छा लेवल नहीं पूछा था, बहुत ज्यादा अच्छा लेवल नहीं पूछा था, बेसिक पाइथन, नंपाई क्या है, पाइथन क्या है, पाइथन किस तरीके से वर्क किया जाता है, पाइथन के कीवर्ड्स क्या है, कुछ इस तरीके से बेसिक दो से तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, ये इतना अगर आप कर लेते हैं और प्लस साथ में सी और सी प्लस प्लस, ठीक है, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बहुत इजीली 50 से 55 नंबर अपने 60 में से ले सकते हैं। अब यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल से वही आपके 4 से 5 बेसिक, कंप्यूटर क्या है, लैन मैन वैन क्या है, टोपोलॉजी क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी कौन सी है, आपकी प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, तो हर एक चीज़ का बेसिक कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट क्या है, ये सारी छोटी छोटी टर्म्स आपको बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से पूछी जाती हैं। और 4 से 5, 5 से 6 लगा के चलो आप, यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं कम से कम कंप्यूटर फंडामेंटल से। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछता है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम का कन्वर्जन दे देगा या नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी पूछ लेगा, इसमें कहां से कहां तक के नंबर लाए करते हैं, या फिर आपसे बेसिक किसी भी गेट की, लॉजिक गेट का प्रॉपर्टी पूछ सकता है, एक्सोर गेट कैसे बिहेव करता है, एक्सनोर की ट्रुथ टेबल क्या है, एक्सोर नोर गेट किस तरीके से बिहेव करता है, बाइनरी कौन सा है, यूनरी कौन सा है, तो गेट से बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में बुलियन लॉजिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, के मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट का बेसिक प्रॉपर्टी पूछ सकता है, उनमें क्या डिफरेंस है, पास्ट इनपुट किस में यूज होगी, फ्यूचर इनपुट किस में यूज होगी, तो अब बेसिक क्वेश्चन आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे जाते हैं। मल्टीप्लेक्सर से पूछ सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर का स्ट्रक्चर क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर का स्ट्रक्चर क्या होता है, एनकोडर डिकोडर के बीच में क्या डिफरेंस है, सिंक्रोनस काउंटर कौन से हैं, सिंक्रोनस काउंटर कौन से हैं, तो ऐसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। उसके बाद आता है डीबीएमएस प्लस एसक्यूएल, यहाँ से भी आप 4 से 6 क्वेश्चन लगा के चलो, 4 से 6 क्वेश्चन आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लस एसक्यूएल क्वेरी से पूछे जाते हैं। सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी से 2 से 3 क्वेश्चन एसक्यूएल क्वेरी से पूछता है, सिलेक्ट का क्या प्रोसेस है, प्रोजेक्ट हम कैसे करते हैं, सिलेक्शन कोई भी हमने एसक्यूएल क्वेरी लिखी है, रिलेशनल एलजेब्रा से भी पूछ सकता है, रिलेशनल कैलकुलस से भी पूछ सकता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन एसक्यूएल से ही पूछता है कि आप जो भी कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्रीगेट फंक्शन क्या है, ऑर्डर बाय क्लोज का क्या यूज है, हैविंग बाय क्लोज का क्या यूज है, ग्रुप बाय क्लोज का क्या यूज है, आपके ऑप्शनल क्लोजेस कौन से हैं, आपके परमानेंट क्लोजेस कौन से हैं, तो इस तरीके से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एसक्यूएल क्वेरी से पूछे जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो डीबीएमएस से बेसिक, डीबीएमएस होता क्या है, डीबीएमएस की प्रॉपर्टी क्या है, आपके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं, हमारा डीबीएमएस जो 2 लेवल आर्किटेक्चर, 3 लेवल आर्किटेक्चर, उसके अंदर हमारी कौन कौन सी लेयर्स हैं, किसका क्या वर्किंग है, किस तरीके से डेटाबेस को हम मैनेज करते हैं, कैसे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, ईआर मॉडल से पूछ सकता है, रिलेशनल मॉडल से पूछ सकता है, एट्रीब्यूट क्या है, सिंगल एट्रीब्यूट की क्या प्रॉपर्टी है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की क्या प्रॉपर्टी है, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कौन से होते हैं,
आपके सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट से क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ में फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्लोजर सेट से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक रिलेशन देगा और पूछेगा कि इसका क्लोजर सेट बता दो, या नॉर्मल फॉर्म से पूछ सकता है कि इस नॉर्मल फॉर्म की क्या प्रॉपर्टी है, BCNF के लिए क्या कंपल्सरी प्रॉपर्टी है, 3NF के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या पर्टिकुलर एक रिलेशन दे के आपसे पूछेगा कि ये रिलेशन हमारा किस नॉर्मल फॉर्म में लाई करता है। और बेसिक लॉसलेस डिकम्पोजिशन और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन से मे बी 1% क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ में कीज के कंसेप्ट से क्वेश्चन जरूर पूछता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, या पर्टिकुलर किसी एक रिलेशन में ये पूछ सकता है इसमें कितनी कैंडिडेट की हैं और कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन है आपका टॉपिक, ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। ट्रांजेक्शन से बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ प्रॉपर्टी पूछता है कि एसेट प्रॉपर्टी की फुल फॉर्म पूछ ली, बस इतना तक ही पूछता है। इंडेक्सिंग से तो क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं पूछता, बस ये पूछ सकता है ज्यादातर चांसेस कि कितने टाइप की इंडेक्सिंग होती है, उनकी क्या वर्किंग है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 4 से 6 क्वेश्चन बनते हैं DBMS से। HTML की अगर हम बात करें तो HTML से भी आपके 3 to 4 क्वेश्चंस बनते हैं। HTML होता क्या है, कौन कौन से टैग हैं, कौन से आपके एम्प्टी टैग हैं, कौन से आपके नॉन एम्प्टी टैग हैं, पर्टिकुलर किसी टैग की प्रॉपर्टी पूछ सकता है, BR टैग किस लिए यूज किया जाता है, आपका है किसी टैग को यूज करने के लिए आपका सिंटेक्स क्या रहेगा, तो सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी टैग की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, लिस्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट है तो आप कैसे लिखेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो कैसे मेंशन करेंगे HTML कोड को। तो इस तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग से भी 3 to 5 क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में। कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, आपके ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से हैं, आपका OSI मॉडल कैसा है, TCP/IP मॉडल कौन सा है, उसमें कितनी लेयर हैं, उसमें कितनी लेयर हैं, किस लेयर की क्या फंक्शनिंग है, आपके प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, किस प्रोटोकॉल का क्या एड्रेस है, कौन सा प्रोटोकॉल क्यों यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग से पूछता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम से भी 3 to 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनता है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी फंक्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से फंक्शन आप यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपसे CPU शेड्यूलिंग, किसी भी एक CPU शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल दे देगा, उससे आपसे पूछ सकता है टर्न अराउंड टाइम क्या है, किस प्रोसेस को किस टाइम पे CPU मिला, कौन सी प्रोसेस पहले बाहर गई, कौन सी बाद में बाहर गई, तो इस तरीके से CPU शेड्यूलिंग से पूछ सकता है। आपका डेडलॉक से पूछ सकता है, डेडलॉक की प्रॉपर्टी क्या क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस की प्रॉपर्टी क्या क्या है, और आपका बेसिक सीमाफोर से क्वेश्चन पूछ सकता है, काउंटिंग सीमाफोर से क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं फर्दर म्यूचुअल एक्सक्लूजन किसे कहते हैं, प्रोग्रेस किसे कहते हैं, तो इस तरीके से उनका कंसेप्ट भी पूछ लिया जाता है। प्लस साथ में डिस्क शेड्यूलिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको देगा कि इतने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं और इतने आप ये पर्टिकुलर हमारी रिक्वेस्ट आई तो इनमें से कितने हिट हुए कितने मिस हुए, तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका डिस्क शेड्यूलिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स थे, टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स बता दो, टोटल सीक टाइम बता दो, तो और कौन सी मेथड किसी पर्टिकुलर एक मेथड से रिगार्डिंग भी पूछ सकता है कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम से कितने होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से कितने होंगे, स्कैन से कितने होंगे, एसी स्कैन से कितने होंगे, लुक से कितने होंगे, एसी लुक से कितने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 से 5 क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। उसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। यहाँ से भी आपके 4 to 6 क्वेश्चन बनते हैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम से। डेटा स्ट्रक्चर से बेसिक क्वेश्चन पूछता है, स्टैक की प्रॉपर्टी क्या है, एरे को किस कैसे यूज करते हैं, क्यू की प्रॉपर्टी क्या है, क्यू में इंसर्शन डिलीशन कैसे होता है, लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट की फर्दर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर में पूछे जाते हैं स्टैक से या तो ट्री से। ट्री की प्रॉपर्टी पूछेगा, बाइनरी ट्री कैसा है, रेड ब्लैक ट्री कैसा है, हाइट बैलेंस ट्री कौन सा होता है, हाइट बैलेंसिंग ट्री का फैक्टर क्या है, और उसकी आपकी हाइट पूछ सकता है, कोई एक ट्री बना के इसकी हाइट कितनी है, अगर हम इसमें ये दो इंसर्ट और कर दे तो आफ्टर हाइट बैलेंसिंग, या आपके हाइट देके कि इतनी हाइट है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड आपके कितने हो सकते हैं, इस तरीके से आपसे ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन हैशिंग से पूछ लिया जाता है, कोई भी एक हैशिंग देके आपको पूरी एक डिस्क देके और उस तरीके से कि इसमें
कितने कॉलिजन हुए, कितने कॉलिजन हुए, या फिर बेसिक आपसे कि उस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर की के लिए हमें कौन सा इंडेक्स वैल्यू मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से डेटा स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं। एल्गोरिथम से बेसिक क्वेश्चन पूछता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, कॉस्ट क्या आएगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, या ग्राफ किसे कहते हैं, ग्राफ की प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ कैसा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ कैसा है, डायरेक्टेड में कितने एज होंगे, कितने वर्टिसेस होंगे, अनडायरेक्टेड में कितने एजेस होंगे, कितने वर्टिसेस होंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट किसे कहते हैं, तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर से आप दो क्वेश्चन लगा के चलो, अभी तक तो कभी नहीं पूछा, एक बार पूछा था, अगर पूछेगा तो बेसिक पूछेगा, सिंबल किसे कहते हैं, टर्मिनल किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनल किसे कहते हैं, पीडीए की फुल फॉर्म क्या है, एलबीए की फुल फॉर्म क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, रिकर्सिव लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, फाइनाइट ऑटोमेटा किसे कहते हैं, डीएफए क्या है, एनएफए क्या है, बहुत ही बेसिक टर्म पूछ सकता है अगर पूछी तो, ठीक है। सेम कंपाइलर में सिर्फ ये पूछ सकता है अगर पूछा गया तो, ये भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से पूछना नहीं है, बट एक बार एक पेपर में आया था तो ऐसा हो सकता है मैं भी पेपर में दे दे। तो कंपाइलर से बेसिक पूछेगा, कंपाइलर किसे कहते हैं, इंटरप्रेटर किसे कहते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, सेम आपका कंपाइलर की कितने फेजेस होते हैं, कौन सा फेज फ्रंट एंड कौन से फेज है, मिडल एंड कौन से हैं, बैक एंड कौन से हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद पाइथन से भी आप अब भाई दो से तीन क्वेश्चन लगा के चलो, पिछली बार तीन क्वेश्चन आए थे, पाइथन किसे कहते हैं, पाइथन कब इन्वेंट हुई, पाइथन की प्रॉपर्टी क्या है, पाइथन में हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, पाइथन में हमने कोई प्रोग्राम लिखा है उस फाइल को हम सेव करेंगे तो किस एक्सटेंशन से सेव करेंगे, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। टोटल कीवर्ड कितने होते हैं, अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है तो कैसे कंडीशन लगाएंगे, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपके पाइथन से पूछे जा सकते हैं। सी और सी प्लस प्लस से आपसे दो से तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वही सेम चार से पांच क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज से पूछता है, आपको प्रोग्राम देगा, नीचे आपके चार ऑप्शन होंगे, आउटपुट क्या आएगी, या एरर क्या आया है, क्या एरर होगा, या बीच में खाली स्टेप देके कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इनमें से कौन सी आपकी कमांड हम रन करें तो आपका प्रोग्राम स्मूथली रन करेगा, ठीक है। सी प्लस प्लस में आपसे बेसिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, ये बेसिक बेसिक टर्म्स आपसे पूछ सकता है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है, तो ये छोटी छोटी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा। तो इस पूरे 60 मार्क्स के लिए जो है, इस पूरे 60 मार्क्स के लिए जो है आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स आने वाला है, पूरा कंप्लीट कोर्स आने वाला है 60 मार्क्स के लिए, और वो कोर्स जो है आपके लिए पेड कोर्स होगा, पेड कोर्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, और जिन स्टूडेंट ने जो प्रीवियस कोर्स जो था, पिछले साल वाला जो कोर्स था, उसको ज्वाइन कर रखा है, तो उसको भी नए कोर्स में एनरोल कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पेड कोर्स आएगा, लाइव कोर्स रहेगा, लाइव क्लासेस होने वाली है। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज जो हमारा यूट्यूब चैनल नेम है, सेम नेम से अगर आप एप्लीकेशन सर्च करते हैं तो भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, नेट ज्ञान बाय ज्योति बुधवार के नाम से अगर आप एप्लीकेशन को सर्च करेंगे तो आपको जो है एप्लीकेशन मिल जाएगी। और जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, बिकॉज ये 2024 वाला जो आपका स्टेट एग्जाम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एक बार में इसको पूरा करके छोड़ दो, बार बार स्टेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो पेड कोर्स आपका कंप्लीट लाइव कोर्स जो आएगा, वो आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गैदरिंग के बेसिस पे, बिकॉज लाइव कोर्स के लिए हमेशा स्टूडेंट्स की गैदरिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतनी जल्दी कोर्स आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, फर्दर एस्टेट एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड है, जो कोर्स चाहता है कि भाई जल्दी से जल्दी कोर्स आए, पुराना कोर्स ऑलरेडी है एप्लीकेशन पे, यू कैन ज्वाइन एट एनी टाइम, बट नया लाइव कोर्स के लिए आप लोगों को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, यस मैम वी आर इंटरेस्टेड, देन कम से कम 100 स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे तो लाइव कोर्स लाइव बैच एक या दो दिन के अंदर ही आपका पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी प्रिपरेशन ऐसी होगी कि कोई भी पीजीटी लेवल का एग्जाम आप करें, एचटेट वाले कोर्स में आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऐसी होगी कि आप कोई भी किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, किसी भी पीजीटी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप बहुत इजीली एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, चाहे आपका सीटेट हो,
चाहे आपका KVS हो, NVS हो, DSSSB, TGT या PGT हो, कोई भी एग्जाम हो हमारा कंप्यूटर साइंस वाला, उसको आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे आफ्टर दिस कोर्स, बिकॉज इस कोर्स का लेवल जो है अच्छा खासा होने वाला है, अच्छा खासा होने वाला है। फर्दर आप किसी और एग्जाम के लिए, किसी अनदर PGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप HPSC वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये पूरा सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा। फर्दर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वी आर इंटरेस्टेड, देन वी विल स्टार्ट सून फॉर योर कोर्स। तो आई होप आज की ये जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। फर्दर कहीं पे किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है देन कमेंट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, इसी तरीके से पढ़ते रहें।